हेलो ऑल, वेलकम टू पीटीएस। पीटीएस में आप सभी का स्वागत है। पीटीएस आपके लिए फिर से लेके आई है पावर ऑफ थ्री, एक ऐसा सेगमेंट जहां पे आपको पीटीएस तीन स्टॉक प्रोवाइड करती है कल के डेट के लिए, जो कि आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप पीटीएस पे नए हैं और अगर आप पीटीएस को चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने कल हमारी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए HDFC बैंक की। दोस्तों, HDFC बैंक आज मॉर्निंग में 15 से 18 रुपए माइनस था। बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे पेड क्लाइंट्स ने। तो अगर आपको भी जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल में और पेड क्लाइंट्स में तो आप आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाइए जुड़िए और रोज़ का प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है तो इस आइकन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे तीन स्टॉक हैं। दोस्तों, जो पहला स्टॉक है उसका नाम है TCS का। देखिए, TCS मेरे को एक ट्रायंगल पैटर्न में बनते हुए दिख रहा है। तो हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक 2272 का। अगर मान लीजिए TCS 2272 के ऊपर निकलता है तो TCS को आप बाय करिएगा कितने के टारगेट के लिए, 2288 के टारगेट के लिए। यदि TCS 2263 के नीचे निकलता है तो आप 2248 के टारगेट के लिए आप सेल करिएगा TCS को। दोस्तों, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जो मेरे को TCS में जो कन्विक्शन लग रही है वो नीचे साइड की लग रही है और ऊपर साइड की कम लग रही है, तो आप जब ऊपर जाए ऊपर कम का टारगेट रखिएगा, नीचे बहुत इसमें जगह खुली पड़ी है TCS में। मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। दोस्तों, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक बार, दो बार और तीन और ये चार बार इस लाइन पे सपोर्ट लिया और फाइनली इसने अपनी रेंज छोटी कर ली है। और देखिए दोस्तों, ऊपर से करीबन एक दो तीन चार करीबन चार बार इस रेसिस्टेंट पे इसने रेसिस्टेंट लिया है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाता है 1120 के ऊपर तो आप बाय करिएगा कितने के टारगेट के लिए, 1130 के टारगेट के लिए आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट को बाय कीजिएगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1115 के नीचे निकलता है तो आप 1105 के टारगेट के लिए आप सेल कीजिएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। दोस्तों, जो हमारा लास्ट स्टॉक है उसका नाम है पिडिलाइट का। पिडिलाइट भी ट्रायंगल पैटर्न इसने फॉर्म किया है। आपको क्या करना है, अब यदि पिडिलाइट 1233 के ऊपर निकलता है तो 1246 के टारगेट के लिए बाय करिएगा, और नीचे अगर 1224 के नीचे निकलता है तो आप 12 के लिए आप टारगेट का। दोस्तों, यदि पिडिलाइट 1224 के नीचे निकलता है तो आप 1213 के टारगेट के लिए आप पिडिलाइट को सेल कीजिएगा। तो ये थे हमारे तीन कन्विक्शन वाले स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में नए हैं और अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है और अगर आपको भी जानना है कि हम किस प्रकार से एनालिसिस कर पाते हैं, तो आइए PTS के बैच को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जिस चीज़ के लिए आप अभी तक भटक रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप सब प्यासे थे अभी तक। देखिए, PTS इस्टेब्लिश ही इसीलिए हुई है ताकि लोगों के बीच में ये मेरे पास ऐसा जो चीज़ है वो चीज़ लोगों के बीच में पहुँचे और लोग इससे मुनाफा कर सकें और अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।